फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस अब तमाम व्यूबर्स को हमारी मिड नाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम सो so गाइस यहां पर फेडरल की जो मीटिंग का दूसरा सेशन था वो ओवर हो चुका है लेकिन मार्केट में उसका इम्पेक्ट अभी भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ सिक्सटी तक हमें देखने को मिल रहा है जो फोर्टी बाकी है वो बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है अभी अगर सरमाकारी की बात करें तो सिर्फ छः बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है और जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी और मैं चाहता हूं कि आप सब दोस्तों को इस चीज़ की एजुकेशन मिलती रहे जो मैं पिछले तकरीबन छः सेशन से आपको मुसलसल अपडेट दे रहा था गाइस यही वो वजह थी कि मैंने आपको तकरीबन ट्रेड को लेकर मैक्सिमम यहां पर स्टैंड बाय की तलकीन की और पेशेंस की तलकीन की कि आपको मुसलसल मेरी एडवाइस थी कि आप यहाँ पर पेशेंस से काम लें और आपको होपफुली कि आज की मार्केट की समझ आ गई होगी कि कैसे इंटरनेशनल खास करके अमेरिका से इशू होने वाले डेटास किस तरह मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट लेकर के आते हैं सो so यहाँ पर पी की अगर हम बात करें तो इसका आज का पंप 19,966 डॉलर तक का रहा उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर डायरेक्टली 950 डॉलर की कमी हुई है लेकिन ये हाई सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों 30 सेकंड का था यानी कि मार्केट टोटली इनोवेशन जोन में जा चुकी थी और इथीरियम ने भी 14, 15, चौदह का हाई लगाया और दोबारा से अपने अपने प्राइस पर आकर के दोनों मार्केटें खड़ी हो चुकी हैं अब ये हमें क्या साइन दे रही हैं कि इसमें सुबह की मार्केट का आगाज़ क्रैश से होता है तो ये बड़ी ख़तरनाक बात होगी क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फेडरल के जो रिजल्ट्स होते हैं मीटिंग के उनका इम्पैक्ट हमेशा बारह घंटों बाद आता है एक तो फौरी तौर पर जो फ़ौरी तौर पर आता है वो बस सिवाय एक फिल्म के और कुछ नहीं है आई होप कि आप इस बात को समझते होंगे कि सिर्फ़ वो क्रिप्टो यूज़र्स को क्रिप्टो मार्केट का कोई भी फनकार हो उसको या मान लें कि गोल्ड की मार्केट को इसी तरह ही पंप एंड डंप किया जाता है इवन के जब रिजल्ट्स अभी आने में सिर्फ पाँच मिनट बाकी थे या दस मिनट गोल्ड की मार्केट में 35 डॉलर का इजाफा हुआ पर औंस याद रखिएगा कि गोल्ड की मार्केट में 35 डॉलर पर औंस कोई छोटी छोटी जो है वो प्रॉफिट रेशो नहीं होती बे एक बहुत बड़ा समझ लें कि एक नंबर कंसीडर किया जाता है सो नो डाउट अब बढ़ते हैं दोस्तों मार्केट में थोड़ा सा स्टेप आगे करते हैं और आपको मैं बताता चलूँ कि इस बीच बी ने भी हाई लगाया है टू का अब कौन से कॉइन थे जो इस दौरान हमारे लिए हमारी ट्रेड को कंप्लीट करने में कामयाब रहे उस पर हम बात करेंगे गाइस सोलाना की मार्केट मैक्सिमम जो आज क्रैश हुई वो थर्टी पॉइंट सेवेंटी एट तक गई और मैंने आपको जो बाइंग जोन बता रखी थी वो थी ट्वेंटी नाइन एटी अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो आपको अभी भी, भी प्रीपेड रहना है सूरत हाल के लिए और ये जो एग्जीक्यूट होने हैं टारगेट ये होकर रहेंगे दूसरी जानी हम देख रहे हैं पोल का डोट हाई लगा कर रहा है सिक्स पॉइंट फिफ्टी एट का छः चार या अठावन का सोगा so इसे एक चीज मैं आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ आप देख रहे हैं कि पूरी मार्केट की बत्ती गुल हो चुकी है ठीक है हर तरफ आपको रेड ही रेड दिखाई दे रहा है चंद एक प्वाइन होंगे जो ग्रीन होंगे मार्केट ने अपना सरमाया छोड़ना शुरू कर दिया है स्किप हो रही है मार्केट सुबह के लिए जो अब मैं आपको लेवल्स बताऊंगा वो आपने लाजम फॉलो करनी है यहाँ पर हम देखते हैं के पॉलीकॉन मैट्रिक के अंदर जो रिकवरी आई थी वो सेवेंटी फोर पॉइंट सेवेंटी फोर एटी फाइव तक की थी लेकिन दोबारा से इसकी मार्केट डाउन हो रही है एवेक्स के प्राइस जो है दोस्तों वो सोलह इशारिया तिरसठ से जो है तजावज़ कर गए थे यानी कि समझ लें सत्रह इशारिया बीस तक का इसने हाई लगाया लेकिन अब इसकी मार्केट टूट रही है और ये पंद्रह इशारिया साठ की बाइंग जोन में कभी भी आ सकता है दूसरी जानब स्वैप जो है वो भी अपना हाई लगा कर आया क़रीब यहाँ पर सभी क्वाइन ने आज अपना हाई लगाया और अगर बात करें ऑटम की तो ऑटम ने सुबह हमारी 12 बजे की जो हमारी दोपहर की वीडियो होती है सॉरी 12 बजे की नहीं वो तकरीबन पौने तीन के करीब आपको मिलती है उस वीडियो के अकॉर्डिंग इसके एयर होने के बाद ऑटम ने सोलह तक का हाई लगाया और इस क्रैश में कुछ ज़्यादा खैर खैर इसकी वर्थ कम होती दिखाई नहीं दे रही तो अभी भी स्टिल हम इसे दोस्तों 12.80 पे ही अपना टारगेट रखेंगे बाइंग का एथीडियम क्लासिक 28 का लो लगा कर आया है और अभी इसकी सूरत हाल ट्वेंटी नाइन पे स्टक है इसका भी वॉलीम कम हो रहा है एल का वॉलीम भी तेज़ी से कम हो रहा है और लास्ट में चेन लिंक सेवन थर्टी का हाई लगा कर हमारी एक बाइंग जो है वो कंप्लीट करवा दी इसने अगर आपने यहाँ पर पहले से ही सेलिंग uh, ऑर्डर लगा कर रखा था तो चेन लिंक का एग्जिट आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका होगा आई होप यहाँ पर मज़ीद हम अगर मार्केट को देखें दोस्तों तो नियर प्रोटोकॉल सेम अपनी प्राइस पर आया आज इसके अंदर किसी किस्म का हमें बूस्ट देखने को नहीं मिला एक्सएमआर का गाइज रोल लो रहा वन थर्टी एट का और अभी तक इन कॉइंस के ऊपर जो बड़े कॉइन कंसिडर किए जाते हैं इनका मार्केट का जो इन्फ्लुंस है वो इनमें से अभी निकला नहीं है जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ए पी ई कॉइन वाह कॉइन होगा जो इस मार्केट में डंप होने के बाद पंप भी करेगा तो इस वक्त ए पी ई ने ए पी ई ने जो लो लगाया है वो था फाइव पॉइंट सेवेंटी का जो जिस रेट पर ये ट्रेड हो रहा था वो था सिक्स पॉइंट थर्टी वन अब ये पाँच अरिया सत्तर का लो लगा कर सबसे पहले अपनी रिकवरी कर रहा है आई होप कि आपकी जिस जिस दोस्त की भी बाइंग यहाँ पर सेवन डॉलर की है उसके लिए अब मार्केट जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है सेवन डॉलर से यहाँ पर दोस्तों आईसीपी का हमारा जो टारगेट था बाइंग का वो एग्ज़ीक्यूट हो चुका है आईसीपी इज़ द फर्स्ट कॉइन 5.65 के करीब इसकी बाइंग हो चुकी होगी आपकी और इसके बाद तो अगर आप चाहें तो आईसीपी से एग्जिट कर सकते हैं सुबह की मार्केट में इसे दोबारा आप बाई कर सकते हैं फाइव के लिए सी जो सुबह टूट रहा था यानी कि इसके प्राइस जो है दोस्तों तकरीबन आप कह सकते हैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन पर जा चुके थे अभी इसके अंदर थोड़ी सी रिकवरी हो रही है इस मार्केट के अकॉर्डिंग इस वक्त हम देख रहे हैं सैंड और माना दोनों एक साथ आकर खड़े हो गए हैं और इनकी स्ट्रेंथ जो है दोस्तों मजीद वीक हुई है आप इनका वॉल्यूम नोट करें अगर आपने पहले नोट कर रखा है तो ये डे बाय डे हर सेशन में गिर रहा है आज की मार्केट में जो डंप होने के बाद रिकवर नहीं कर सका दोस्तों वो है ई ठीक है वन वन से ये क्रैश करके 1.25 पे आया है और यहीं पर आकर मुकम्मल सो गया है क्यू एंड टी की जो आपको बाइंग दोस्तों बताई थी वो थी 94, 95 ये अभी वहाँ तक जा नहीं सका एडवांस में आप इसे अपने पास सेव रखिएगा और डबल ए वी ई बी जो है वो तिहत्तर डॉलर तक अभी नहीं जा सका यहाँ पर उसकी रीज़न दोस्तों ये बन रही है कि जो पम, जो इनोवेशन जोन थी उसका टाइम बहुत कम था तकरीबन मार्केट 28 से 35 मिनट के दरमियान इनोवेशन जोन में रही उससे ज़्यादा ये वहां पर स्टे नहीं कर सकी अब आगे बढ़ते हैं यहां से दोस्तों तो पेन के स्टिल 4.30 पे कर रहा है द ओनली कॉइन के ये 4.35, 4.30 के दरमियान ही ट्रेड हो रहा था और अभी भी ये वहीं पे खड़ा है कोई मोमेंट इसमें खासी दिखाई नहीं दे रही नियो कॉइन में 10 सेंट का इजाफा हुआ है लेकिन इसकी भी जो हमारी बाइंग है एट पॉइंट एटी उससे हम काफ़ी दूर हैं लेकिन दूसरी बाइंग अभी हमने जस्ट अभी पेंडिंग रखनी है गाइस तो मार्केट को फॉलो करते हुए आप एक्टिव रहिएगा ताकि आपकी ट्रेड कोई मिस ना हो अब यहाँ पर एल सुबह की मार्केट में वन पॉइंट सेवेंटी सेवन पर था दोस्तों इस वक्त वन पॉइंट एटी फोर पे है इससे हमने गाइस बाय करना है तकरीबन वन पॉइंट पे 1.60 पे हमारी जो बाइंग बनेगी एग्जिट हमारा होगा 1.74, 75 क्योंकि ये दोबारा 1.84 पे नहीं आने वाला अब दोस्तों आफ्टर 68, एट अड़सठ के बाद अक्सर मार्केट जो है वो बैडली जो है स्टक दिखाई देती है जैसे कि आप देख रहे हैं डैश बैट जबरदस्त ट्रेड देने वाला कॉइन ये यहाँ पर बिल्कुल बेजान पड़े हुए हैं वेव्स की हमारी बाइंग थी दोस्तों थ्री और आज वेव्स लगाकर आया है हाई फोर पॉइंट टेन का आई होप कि आप में से कई दोस्तों ने वेव्स में से अब एग्जिट कर ली होगी सो so गाइज आप देख सकते हैं कि वेव्स ने चार इशारिया सोलह का हाई लगाया है हमने कल इसकी बाइंग की थी थ्री पॉइंट नाइन्टी की तो छब्बीस सेंट की हमें वेव्स जाते जाते यहाँ पर ट्रेड दे गया है अब बात करते हैं दोस्तों सेल क्वाइन की जिसकी आपको मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वन से वन पॉइंट 56 और फिफ्टी सिक्सटी बताई थी इस वक्त आपको सेल जो है वो फिर से 15 से 18 सेंट तक की ट्रेड दे रहा है अगर मैं यहाँ पर इसके एग्ज़िट में थोड़ा सा मिस्टेक नहीं कर रहा मुझे लग रहा है कि एग्ज़िट शायद मैंने ज़्यादा बताई थी अहर इस वक्त जो है मेरा जो सिस्टम है लैपटॉप का वो ऑफ है तो मैं इन अगर इसमें कोई करेक्शन हुई तो आप ही कर दीजिएगा नहीं तो अदरवाइज़ सुबह की वीडियो में मैं आपको ख़ुद इसकी अपडेट प्रोवाइड कर दूँगा दूसरी जानब जो नया कॉइन इन हुआ था बी एन एक्स यानि कि बेनेरी एक्स बेनेरीरी दोस्तों आप समझते हैं कि किस सिस्टम को बोलते हैं आई होप कि आपको पता होगा तो यहाँ पर फ़िलहाल इसका कॉइन जो वकती तौर पर टॉप हंड्रेड में आया था जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि ये टॉप हंड्रेड से निकल जाएगा तो वो टॉप हंड्रेड के एज पे आ चुका है अब दोस्तों सुबह की मार्केट हमारे लिए क्या न्यूज़ लेकर आ सकती है उसके लिए बढ़ते हैं बी टी सी और एथीडियम के कैडल चार्ट की तरफ सो गाइज नाउ वी आर इन द चार्ट बी टी सी बी टी सी की मार्केट ने यहाँ पर अब इनोवेशन जोन ख़त्म कर दी है लेकिन बी टी सी की मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई है अब इसे हम इतना बड़ा क्रैश तो खैर कंसिडर नहीं कर सकते लेकिन ये अपनी जो सेफ जोन थी उससे भी निकल गया और इस वक्त अपनी वीकर जोन में पूरी तरह एंटर हो चुका है अब आप बाहिर देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट थी वो पाकिस्तान के ग्यारह सवा ग्यारह के करीब आई और इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन रात के डेढ़ बज रहे हैं यानी कि वन पॉइंट थर्टी एम तो तकरीबन दोनों सूरतों को अगर कंपैरिजन करें तो दो सवा दो घंटे के बाद मार्केट स्टिल हो चुकी है टोटल स्टिल हो गई है और वॉल्यूम गिरना शुरू हो गए अब ये जो फादर फिगर कॉइन है बी टी सी ये यहाँ पर गिरना शुरू हो गया है तो जैसे कि मैंने हमेशा आपको ग्राफ के लिहाज से इसका एंट्री और एग्जिट का लेवल बताया है उसी के लिहाज से दोस्तों अल्लाह के फजल से हम हमेशा मार्केट में काफ़ी हद तक नुकसान से सेफ रहते हैं अब यहाँ पर जो लास्ट कैंडल बन रही है दोस्तों ये हमारी पंपिंग जोन की है ठीक है इसने हमें स्प्रिंग दिखाया हाई का अब हाई क्या था ये मैं आपको बता देता हूँ आज का जो क्रैश आया न्यूज़ इन होने के बाद वो ज़्यादा नहीं था दोस्तों क्योंकि मार्केट पहले से ही 18,980 970 पे खड़ी थी 18,980 970 पे लो इसने लगाया 18,600 का लेकिन हाई लगाया अब ये शेडो आपको बता रहा है देखें हाई इसने लगाया 19,966 का ये एक अच्छा साइन था लेकिन अब जो कैंडल बन रही हैं वो क्रैश की हैं वो हमें डायरेक्टली फोर आवर की कैंडल चार्ट से पता चल जाएगा ये देखें अब फोर आवर की ये तीन आखिरी कैंडल देख लें इसमें तो खैर कोई जान ही नहीं है ये जो सेकेंड लास्ट है ये अपर शेडो लेकर आई है और बाद में ये क्रैशिंग कैंडल में तब्दील होकर इसने प्राइस अपने डाउन साइड पर ओपन किए और अगली कैंडल जो बन रही है फोर और की जिसे अभी बने हुए सिर्फ़ आधा घंटा हुआ है मैक्सिमम आधा घंटा अभी साढ़े तीन घंटे और इसके अंदर ऐड होने हैं इस कैंडल के अंदर तो मुझे ऐसे लग रहा है इसका शेडो देखते हुए सेकंड लास्ट कैंडल का शेडो देखते हुए कि मार्केट हमें 18,100 तक का लो दिखा सकती है 18,100 तक का लो आ सकता है मार्केट में किस शर्त पे यह चीज़ आपने नोट करनी है अगर मार्केट अट्ठारह तक चली जाती है सुबह का आगाज़ होने से पहले क्योंकि इसके अब प्राइस गिरते रहेंगे आप थोड़ा सा यहाँ पे वॉच करें प्लीज़ अठारह हज़ार नौ सौ बावन एटीन थाउजेंड नाइन फिफ्टी टू नाइन यहाँ पर एटीन थाउजेंड नाइन एटी वन ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर चालीस से पैंतालीस डॉलर का डिफरेंस रख कर बैठी हुई है इसी तरह ही पंद्रह बीस पच्चीस करते करते अगर मार्केट आ जाती है एटीन थाउज़ेंड सिक्स फोर्टी नाइन पर तो याद रखिएगा कि ये लाज़म अठारह हज़ार एक सौ का बिलो लगा सकती है और जैसे कि आज मिड नाइट इससे पहले जो हमारी शाम की वीडियो होती है जो हमारी सेकेंड वीडियो होती है उसमें मैंने बी टी सी के कुछ लेवल बताए थे ये उसको भी टच कर सकता है अगर इसने अठारह हज़ार एक सौ पर अपनी सपोर्ट ना बनाई एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड पर इसकी सपोर्ट होनी चाहिए कम अज़ कम एक घंटे की अगर ये वहाँ पर अपनी सपोर्ट बना गया तो ये वापस आ जाएगा ये वापस अपने प्राइस अट्ठारह हज़ार छः सौ उनचास तक आ सकता है ठीक है और अब बात करते हैं पंप की पंप के लिए सिंपल वे वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्रैश का इस वक्त अंदाज़ा लगाना आपके लिए भी मुश्किल होगा इसलिए सबसे पहले मैंने आपको क्रैश के बारे में बताया कि कितनी मार्केट क्रैश कर सकती है पंप के लिए 19,350 पे इसका रजिस्ट करना ज़रूरी होगा आर्ट कॉइन की बैटरी के बेहतरी के लिए 19,550 अप टू बस ये जो पंपिंग का है ये तो आपको रट गया होगा ठीक है लेकिन क्रैशिंग की जो सूरत हाल है वो आंखों में रख के ट्रेड कीजिएगा और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही था कि ये बिरिश मारू बूजू बनने जा रही है तो दोस्तों आप उसकी हेल्थ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है बी की वो ज़्यादा तोज्जो दे रही है क्रैश की तरफ अब देखें आप यहाँ पर कितना फ़र्क आ गया है एटीन थाउजेंड नाइन सेवेंटी फोर एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी फोर डॉलर का फ़र्क आ चुका है तो दोस्तों ये दोनों लेवल और सुबह की रजिस्टर्स को फॉलो करके आप बी से जुड़े क्वाइंस में ट्रेड ले सकते हैं अब बढ़ते हैं थी टीम के कैंडल चार्ट की तरफ सो गायज़ यहाँ पे इथीनियम की जो हालत है वो बी डी सी से ज़्यादा बुरी है सुबह भी यही हालत थी अभी भी हम वही देख रहे हैं यहाँ पर एथीनियम ने हाई लगा दिया है चौदह सौ पंद्रह का फोटीन फिफ्टीन का लेकिन यहाँ पर हंड्रेड डॉलर दोबारा क्रैश कर गया अब चौदह सौ पंद्रह पर इसने सिर्फ एक एक तीस सेकेंड का स्टे किया होगा और मार्केट इसकी नीचे आ गई ड्रॉप कर गई और फ्यूचर ट्रेडर का सत्यानाश कर गई जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड लगा रखी थी वो तो गए तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि जो इसकी मार्केट है वो लास्ट ये जो कैंडल हमें सेकंड लास्ट जो दिखा रही है वो बिरिश मारू भूजू की एक शक्ल दिखा रही है बेबी कैंडल की के, लेकिन अगली जो थी वो हमें काफ़ी देर तक बचा कर रख गई उसका शेडो डाउन पे कम है लेकिन हमने देख रही है दोस्तों चार और की कैंडल कि के इसकी जो लास्ट कैंडल है वो हमें क्या मैसेज दे रही है सो so गाइज इसकी फोर और की जो लास्ट कैंडल है वो बड़ी हद तक बी से मिल रही है बिरिश मारू बुजू का यहाँ पर आगाज़ हो चुका है तकरीबन पैंतीस मिनट की यह कैंडल है और लास्ट कैंडल इसकी देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि ये सेम सिमिलर बीटीसी की तरह जो मैंने आपको बीटीसी पे बताया सेम इसकी वही सूरत हाल है और ये बड़ा कम होता है ऐसा लेकिन फिलहाल हुआ है तो देखना तो पड़ेगा अब यहाँ पे गाइस इथेरियम अपनी तेरह की वीकर जोन से भी नीचे गिर गया है ठीक है और अभी पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि थीरियम में क्रैश कहां तक देखने को मिल सकता है दोस्तों सेवेंटी डॉलर का डायरेक्टली क्रैश आ सकता है ठीक है यानी कि इसकी मार्केट आप अंदाज़ा करें कि तेरह सौ चालीस तक जा सकती है थर्ड सॉरी ट्वेल्व फोर्टी तक मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ट्वेल्व फोर्टी तक इसकी मार्केट जा सकती है यानी कि ऊपर के सेवेंटी थ्री डॉलर उड़ सकते हैं किस शर्त पे वो मैं आपको बताता हूँ रजिस्टर्स इसकी मैं बताता हूँ अगर वहाँ पर सपोर्ट ना बनी अगर इसकी मार्केट 1313 पर ही या मतलब के 13 13 पर ही सारी रात रजिस्ट करती है और सुबह होने को अभी दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि तीन साढ़े तीन घंटे का अभी टाइम बाकी है और ट्रेडिंग सेशन ज़ाहरी बात है स्टार्ट होना और यहाँ पर जो इम्पेक्ट बाकी रह गया है वो इसके अंदर डेफिनेटली आ सकता है क्योंकि फियर फैक्टर तो इस वक्त बड़ा पीक पे पहुंचा हुआ है लोग अपना पैसा फौरी तौर पे वक्ती तौर पे निकाल लेते हैं वो देखते हैं कि मार्केट जिस रुख बैठेगी दोबारा एंट्री ले लेंगे लेकिन इसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है और मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ कि आप डर के मारे अपना सारा सामान बेच दें सो गैस यहाँ पे 1313 की जो रेजिस्टेंस है ये बड़ी ख़तरनाक है जहाँ पर आके मार्केट खड़ी हो गई है सुबह तक मुझे लगता है कि अगर ये अपना आगाज़ करती है 1320 से भी 1325 से भी तो ये क्रैश करेगी ठीक है ये इसकी बहुत ज़्यादा वीकर जोन है इसे सेफ जोन में आना होगा सेफ जोन है इसकी गाइस थर्टीन सिक्सटी फाइव इस मार्केट के मुताबिक ठीक है पहले आपको याद होगा इसकी सेफ़ जोन थी थर्टीन एटी एट लेकिन उस वक़्त मार्केट इसकी थर्टीन फोर्टी फाइव और थर्टीन फिफ्टी फोर पर रजिस्ट कर रही थी तेरह सौ पैंसठ पे सुबह मार्केट आती है तो ये हमें एक अच्छा पंप दिखा सकती है और सिर्फ़ और सिर्फ हमें आ, 45 मिनट की रजिस्टेंस चाहिए तेरह पे आपने देखा होगा कि आज जो इनोवेशन जोन ऑन हुई इसके अंदर कोई रजिस्टेंस नहीं थी कोई स्टे नाम की चीज़ ही नहीं थी और इसके ऊपर मैं दोस्तों आपको बहुत जल्द सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँगा वो बड़ी लंबी होगी जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि रेजिस्टेंस कितनी कहाँ कित, कैस किस हालात में होती है तो हम बच सकते हैं सो गाइज यहाँ पर लो भी मैंने आपको बता दिया है और हाई भी मार्केट अगर आपको इथीरियम की 1240 पे देखने को मिलती है मान ले 1250 पर भी तो आप एक 500 की एंट्री ले सकते हैं 500 डॉलर की और एग्ज़िट कर जाइएगा 1290 पे ये आपको 25 से 30 डॉलर की ट्रेड दे सकती है और इसके साथ नेटिव टोकन अगर आपको यूज़ करना चाहते हैं तो टॉप पे होगा ई और अब की मार्केट में ई एंड एल सो गाइज अपना बुस्सा ख्याल रखिएगा सुबह तक अल्लाह हाफिज़